मित्रों, फेलियर किसे कहते हैं? आप सब बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ना कर पाए तो उसे फेलियर कहते हैं, लेकिन असल में फेलियर का मतलब ये नहीं है। एक फेलियर इंसान वो होता है जो एक बार हारने के बाद दूसरी बार उस चीज को जीतने की कोशिश तक ना करे। आज के दिन में इस बात को पूरा करता है एक इंसान जिसका नाम है राहुल गांधी। भारत के सबसे पुराने पार्टी के सबसे ऊंचे पायदान पर रहने के बावजूद भी उनका व्यवहार और उनकी राजनीति करने का तरीका भारत के अधिकांश लोगों को कंफ्यूज कर देता है। राहुल गांधी बराबर अपनी पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2014 के इलेक्शन में उनके खिलाफ नई नई राजनीति में कदम रखने वाली स्मृति ईरानी उम्मीदवार बनी थी। अंतिम परिणाम राहुल गांधी के पक्ष में गया था, लेकिन स्मृति ईरानी इससे हताश नहीं हुई। अमेठी की जनता ने अगले 5 साल तक हारी हुई उम्मीदवार को कठोर परिश्रम करते हुए देखा। नतीजतन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी 55,000 वोटों से अमेठी हार चुके थे। अब ऐसी स्थिति में उनको स्मृति ईरानी से सीख लेनी चाहिए थी। उनको 2024 के लिए अमेठी के लोगों से संवाद करना चाहिए था, लेकिन गांधी का व्यवहार अमेठी की जनता को उन्होंने भुला दिया। वो अमेठी जिसने इतने वर्षों तक कांग्रेस के परिवार को अपने सिर पर उठा के रखा था। एक हार के चलते राहुल गांधी इस कदर परेशान हो उठे थे कि उन्होंने दोबारा अमेठी जीतने की ख्वाहिश तक छोड़ दी। अब इसे आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइए।